मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ मिलकर बाजार से 3 गुना से भी अधिक कीमत पर सामान खरीदे। सामग्री के बाजार मूल्य और आपूर्ति किए गए मूल्य के अंतर का 50% रिश्वत के तौर पर लिया। विशाल चौधरी ने अपनी FGS कंस्ट्रक्शन कंपनी में निशीत केसरी को निदेशक बनाया। मुनाफे में निशीत के हिस्से को राजीव अरुण एक्का के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा किया गया। विशाल ने अपनी काली कमाई के 4 करोड़ रुपए से पुनदाग में 59 डिसमिल जमीन खरीदी भवन बनाने के लिए निशीत को NKPCL डेवलपर बनाकर उसे 60% हिस्सा दिया। विशाल चौधरी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से निशीत केसरी को नकद 1.36 करोड़ रुपए दिए। बाद में निशीत ने ये रकम बैंकों के माध्यम से विशाल चौधरी को वापस कर दिया। राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी के माध्यम से IAS अधिकारी मनोज कुमार व अन्य की पोस्टिंग के लिए पैसे लिए। विशाल ने राजीव अरुण एक्का के साथ मिलकर नाजायज कमाई का हिसाब किताब रखा। इसमें राजीव एक्का के लिए आरसर, आरई और अपनी पत्नी श्वेता सिंह चौधरी के लिए SSC जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। पैसों के लेन देन में लाख के लिए फाइल और करोड़ के लिए फोल्डर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA की धारा 66(2) के तहत राजीव अरुण एक्का व अन्य के सिलसिले में राज्य सरकार के साथ साझा की गई सूचना में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक्का व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।